एक बार महाराजा शांतनु शिकार खेलने के लिए गंगा किनारे गए, जहां वे गंगा के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गए और उनसे प्रेम कर बैठे। इसके बाद शांतनु और गंगा का विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म तो दिया, लेकिन एक एक करके गंगा में बहाती गईं, जिसे देख महाराजा शांतनु बहुत दुखी होते, लेकिन अपने ही दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। एक दिन जब गंगा को 8वीं संतान हुई, तो गंगा ने उसे भी गंगा में प्रवाहित करने का फैसला किया, लेकिन इस बार महाराजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और कहा, हे गंगे, आपने 7 पुत्रों को क्यों मारा? एक माँ होकर आपको जरा सी भी दया नहीं आई? तो गंगा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने इन्हें मारा नहीं, बल्कि उनको श्राप मुक्त किया है। इतना कहकर गंगा गायब हो गई और अपनी 8वीं संतान को अपने साथ ले गई। उन्होंने अपनी 8वीं संतान का नाम देवव्रत रखा और ये बालक भीष्म के नाम से बड़ा होकर पूरे विश्व में जाना गया।